मतलब इनको कोई इंट्रोड्यूस की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका तबला ही कुछ अपने आप में बोल रहा है कि ये क्या है, आप खुद सुन के आपको खुद पता लग रहा होगा। और ये जो आज हमारे पास इनके रेगुलर, इनके तबले 4-5 साल से मीर भाई के रेगुलर, उससे ज़्यादा टाइम ज़्यादा वक्त हो गया होगा मीर भाई। और ये तबले देखिए ये कितने साल पुराने होंगे आप गैस करिए, मीर भाई आपको खुद बताएंगे। ये तबला जो मैंने अभी बजाया ये 2 साल की हो चुका है, बाकी एफ एफ शार्प की ये तबला है, 6 महीना पहले मैं तैयार किया था आप देख सकते हैं। ये डी डी शार्प की तबला विजय सर की है, ये भी साल भर हो चुका है, 1 साल हो चुका है इसका। तो ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, अभी हम लोगों को वक्त लगेगा और आप बहुत काम, मतलब अभी तो बहुत दूर है हम लोगों से, बस ये थोड़ी सी आप लोगों की, बस ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब आप लोग इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, आपकी दुआएं हैं। और ये तबला बनाना तो हमने बस हमारे फादर से, जो हमें बस एक गिफ्ट, गॉड गिफ्ट कह सकते हैं कि हमारे फादर ने बड़ी मेहनत से इसको सीखा जी, जी। 3 उस्तादों से उन्होंने इलम लिया और उसके बाद हमें तो एक गॉड गिफ्ट के तरीके से, मतलब सब कुछ उनका इलम जो उन्होंने मतलब इतनी मुश्किल से बटोरा था वो हमें एक बार में उन्होंने दिया, पर वो भी इलम मतलब हम आप लोगों की दुआओं के जरिए मिला है कि आप लोगों ने हमने कोशिश की और इसमें तबले में पैदा करने की बात कोशिश की और थोड़ा बहुत जो है आप लोगों का बताया हुआ उस चीज़ को कि इस तरह से जो है आप खुला टोन और एक मतलब रेजोनेंस के साथ एक कम्पैक्ट साउंड बाएँ में, ये सारी बस आप लोगों की दुआएँ, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है। मीर भाई हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं और ये कई सालों से कर रहा हूँ और कई सालों से कर रहे हैं और ये आगे भी कई सालों को रिकमेंड भी करते हैं हमारे तबले को। देखिए ये खासियत यही है, हम लोग कोशिश यही करते हैं, बनाना भी नहीं आता, हम सोचते हैं कि बस हमारे काम पे इसमें ड्यूरेबिलिटी और एक इसमें जो है आपको जो साउंड क्वालिटी है, टोनल क्वालिटी, एक स्वीट टोन, जो मेलोडियस टोन जो क्लासिकल म्यूजिकल इंडस्ट्री के लिए मस्ट है जी जी। आई थिंक अगर क्लासिकल म्यूजिकल इंडस्ट्री में अगर तबले का स्वीट टोन ना हो, क्योंकि देखो लाइट में एक बार को शार्पर टोन होते हैं तो लाइट में एक बार को थोड़ा बहुत चल जाता है, मतलब लाइट में भी अगर अच्छे बजाने वाले मैं देखता हूँ कि उनके पास भी वो स्वीटर टोन वाले हैं। जिस तरह से देखिए अभी एफ का तबला है, अब इतना ही देखिए एफ एफ स्केल का इतना हायर स्केल, वरना इसमें ऐसा लगता है कि बहुत शार्पनेस होती है तबले में। ये देखिए लाइट म्यूजिक में ज्यादातर किनार ज्यादा चलता है, हाँ। सुर का बहुत कम है, काम कम है, किनार का ही ज्यादा चलता है, इस वजह से किनार को ज्यादा लोग पसंद करते हैं लाइट म्यूजिक के लिए। क्लासिकल म्यूजिक में हमारे सुर और चार्ट दोनों ही सेम बराबर ही, क्लासिकल तो एक अलग ही मुकाम रखता है। आज पूरे वर्ल्ड में जो है, आज हमारे इंडिया की अगर कल्चर की बात करें, हमारे भारतीय संस्कृति की बात करें, तो मेरे ख्याल से आज जो हमारा म्यूजिक जो जिंदा है वो हकीकत तो क्लासिकल है, क्योंकि जो क्लासिकल में आप लोगों की मेहनत है कि आपने भी इतनी आप भी मेहनत कर रहे हैं और जितने भी मोस्टली जितने भी तबला प्लेयर्स हैं, मैं उनको बहुत मतलब थैंक्स कहता हूँ कि जो इतनी मतलब मेहनत और मशक्कत करते हैं कि वो बाहर जाते हैं और इस म्यूजिक को अपने क्लासिकल को बढ़ावा दे रहे हैं कि आज पूरे दुनिया के लोग जो हैं इसको अप्रिशिएट करें। इसी तरह से तबला मेकिंग होगी, मैं यही कहूँगा कि बस आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें ताकि हम अपने काम में और अच्छे से अच्छा सुधार कर सकें। और आप अपने सजेशन दीजिए, कमेंट दीजिए हमारे चैनल पर, मतलब आप बताइए कि आपको मतलब किस तरह के तबले की टोन पसंद है और किस तरह का आप तबला चाहते हैं, किस तरह के आपको स्केल्स में किस तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिए और जो है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए अगर न्यू अपडेट्स कि मैं किस तरह की कोई अगली वीडियो अगर पोस्ट करूँगा तब मेकिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं मेकिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अब मैं हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको तबले को कैसे आपको टाइट करना है, ट्यूनफुल आपको किस तरीके से करना है और जो है उसके गट्टे को किस तरह से आप स्क्रू ड्राइवर के की मदद से इजीली आप उसको चढ़ा सकते हैं, मैं वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हो सकता है 4-5 डेज या 7 डेज के अंदर मैं पोस्ट करूँगा और आप लोगों को ज़रूर बहुत पसंद आएगी, ताकि जो बाहर जो हमारे क्लासिकल म्यूजिक इंडस्ट्री के जो तबला प्लेयर्स रह रहे हैं ताकि उनको एक हेल्प हो सके, क्योंकि इंडिया में रहने पे तो चलो एक बार तबला मेकर्स अवेलेबल हैं पर जो बाहर हैं उनको अपने तबले की केयर को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, पर उनको मिलते नहीं है, वहाँ पर कोई काम जानता नहीं, अगर थोड़ा मतलब अनबैलेंस होता तो तबला फट जाता है, जिसकी वजह से जो है उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की तबला हेड भी प्रोवाइड नहीं होते हैं। एक्चुअली हमारा यही एम है कि मैं जो है बाहर हम जो ये कोशिश कर रहे हैं, हमें अभी कुछ नहीं आता है, कोशिश है हम लोगों की कि इस क्लासिकल म्यूजिक को हम बाहर विदेश में भी इसी तरह से लोगों को मिले क्वालिटी जैसे आप लोगों को यहाँ मिल रही है। और ये आप लोगों की दुआएं हैं कि वहाँ पर भी लोग बहुत सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं। UCLA यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है सैन डिएगो में, वहाँ पर अभिमान कौशल जी जो टीचर है, वहाँ पर जितने भी तबले हैं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में, सब टोटली बस ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, वहाँ पर सब हमारे हाथ के हैं और बहुत सारी जो है
यूके में और न्यूजीलैंड में दीपक मधुर जी का एक बहुत बड़ा सरगम म्यूजिक ऑफ स्कूल के नाम से है, वहाँ पर भी न्यूजीलैंड में उनके स्कूल में सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो तबला है सब हमारे हाथ के, सब आप लोगों की दुआएं हैं कि आप लोग हमारे काम, पिताजी के आशीर्वाद आपके ऊपर है, बस आप लोगों की दुआएं हैं, दिल्ली के बड़े बड़े सारे तबला वालों को भी आशीर्वाद आपके ऊपर है, बस ये दुआएं हैं इंशाल्लाह कि आप और भी, बस आप लोगों की सबकी दुआएं चाहिए और बस आप लोग इसी तरह से और दुआएं कीजिए ताकि हम लोग जो है इसमें थोड़ा जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे और अच्छा करने की कोशिश कर सके। कुछ भी नहीं आता है तबले के पास सीखने का कोशिश नहीं, नहीं, नहीं भाई ये तो आपका बड़प्पन है, ये आपके बस आप लोगों से तबला लेता हूँ, अच्छा लगता है टोन नहीं, अच्छा नहीं, लगता नहीं, है बजाने की मन करता है, हमारा भी बस आपको एक अच्छे टोन की ख्वाहिश है और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आपको जितना अच्छे से अच्छा हो सके और आप अप्रिशिएट करते हैं कि आपको पसंद आ जाता है, हमारे पता हम उतना काम नहीं जानते पर आपको पसंद आती है टोनल क्वालिटी और आप हर जगह तारीफ करते हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा दोस्तों शुक्रिया और मिहिर भाई को भी थैंक कि ये जो है हमारे चैनल पे आज मैं इसकी एक वीडियो बनाई, ठीक है ओके हैव अ गुड डे।